का राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम हमारे दर्शकों को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, हमने 2 या 3 4 दिन से 18 तारीख से लेकर के अभी तक हम जो तमाम मीडिया के अंदर देख रहे थे बंशु मंगोत्रा का मर्डर मिस्ट्री, इसके पीछे क्या राज है, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे बना ये सिस्टम, वो हमें जो रिपोर्टें दे करके जो बड़े बड़े चैनल हैं J&K में, उनमें तो बड़े बड़े चैनल का जो नाम है उन्होंने दिया नहीं, लेकिन मेरे जैसे जो छोटे मोटे चैनल हैं वो ज़रूर इसकी सहायता के लिए आगे आए हुए हैं। लेकिन इसके अंदर हमने सारी रिपोर्ट्स और सारी CCTV कैमरा को देखा तो इसके अंदर हाई लेवल की जो ग्रुप है इसमें इन्वॉल्व है, उसमें चाहे पॉलिटिशियन ले लो, चाहे पुलिस ले लो, चाहे कोई भी ले लो, इसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो माइनिंग का लगता है। देखो वहाँ पे CCTV कैमरे के अंदर वो रात को 2 बजे से लेकर के उधर, और उसके बाद वहाँ कुछ नहीं दिखाते हैं, उसके बाद आगे जा कर के उसकी कैसे मर्डर हो जाता है कि मौत हो जाती है कि धक्का लगाया जाता है कि क्या किया जाता है। उस बेचारे ने सिर्फ इतनी गलती की थी माइनिंग को लेकर के, माइनिंग के बाद बोली थी, पहले एक पॉलिटिशियन के नाम लिया था और उसके बाद उसके पीछे उसने किसी भी मीडिया ने ये शब्द नहीं बोला है कि उसके पीछे उसने एक शब्द बोला था अपनी रिपोर्टिंग अंदर, जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं आगे, 2 वीडियो हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो है, उसमें उसने बताया है, वंशु जी ने बताया है कि मेरे को पुलिस भी मारने वहाँ पे आई थी, लेकिन उस चीज़ को लेकर किसी ने नहीं डिस्क्लोज़ किया अभी तक। क्या इंक्वायरी हुई उनके उनके माँ बाप ने बोला है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमें तो हम जो हमारा सोर्स है हमारे जो मीडिया पर्सन जो उधमपुर के अंदर है उनके रिपोर्ट के मुताबिक और सोर्सों के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मर्डर जो है, चाहे वो मर्डर है जहाँ वो खुदकशी किया, जहाँ वो ऊपर धक्का मारा, जहाँ क्या किया, ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री, सभी की डिमांड है कि CBI इंक्वायरी, सभी हमने चैनलों को ऊपर पढ़ा है, सभी की यही डिमांड है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। उसको लेकर के हमने आज रियासी के अंदर भी एक हमारे मीडिया को माफिया जो माइनिंग माफिया को लेकर के आगे माइनिंग माफिया की भी हम रिपोर्ट, इसके वंशु की रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद वो भी रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर टाइम निकालिए दर्शकों कि आगे हमने भी रिपोर्ट दिखाया है कि एक करनास के अंदर एक माइनिंग ब्लॉक है, उसके अंदर धड़ल्ले से माइनिंग किया जा रहा है, और उसको हमारे एक मीडिया का रियासी ने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन उसको बेहद धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। अब देखिएगा कि ये इसके पीछे किसका राज है, कौन है, ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही गेम सारी चल रही है, पॉलिटिशियन वाले जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए दर्शकों हमारा चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा माफिया है, माइनिंग का माफिया। आप देखिएगा उसने भी फर्स्ट वीडियो जो माइनिंग माफिया को रिलीज़ की थी और सेकंड तो उसने जो बुलाया बताया था कि हमें मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई भी, चलो मानते हैं कि उसकी भी कुछ गलती होगी, मिस्टेक होगी या नहीं है, क्या है ये पुलिस का मामला है, लेकिन अभी हमारे रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि आगे जो उसकी वीडियो है, वंशु जी की वीडियो है और माइनिंग की जो वीडियो है, हमने शुरुआत यही किया आज अरनास के अंदर बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, चाहे एक हमारे सोशल वर्कर था उसको हमने संपर्क करने की कोशिश किया लेकिन उसका स्विच ऑफ चल रहा है, और इसके कारण हम उसको पूरी डिटेल नहीं ले सके, लेकिन उससे पहले हमने DMO रियासी से माइनिंग को लेकर के जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उसके ऊपर हमने संपर्क किया, उसका वर्जन लिया, लेकिन उस वर्जन के अंदर माइनिंग के जो, जैसे हमने फ़ोन किया DMO रियासी को और DMO रियासी के बाद तुरंत हमारी जो रिपोर्ट जो उसको पहले हमने सबमिट किया वो सारी माइनिंग माफिया को तुरंत पहुंची और हमारे जितने भी ये जो अनेस्ट लोग हैं उनको फोन आने शुरू हो गए माइनिंग माफिया की तरह। आप देखिएगा DMO रियासी किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आप उसको कोई रिपोर्ट देते हैं वो तुरंत हमारा नंबर नाम और सब कुछ माइनिंग माफिया को वायरल कर देते हैं,
और ये हमारे रिक्वेस्ट है डीसी मैडम रियासी से, इसको तत्काल तरीके से बंद किया जाए। अगर कोई रिपोर्ट गलत हो रहा है, अगर कोई वीडियो देता है, रिपोर्ट देता है, तो उन अफसरों को सीक्रेट रखना चाहिए, लेकिन अफसर ऐसा नहीं कर रहे हैं, खास करके डीएमओ रियासी ऐसा नहीं कर रहा है। वो तुरंत वीडियो और रिपोर्ट जो हम जो भी रिपोर्ट कोई सोशल वर्कर करता है, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट करता है, उसके नंबर के साथ माइनिंग माफिया को भेज देते हैं और माइनिंग माफिया को थ्रेट कर। जैसे कि आज आपने एक न्यूज़ चैनल रियासी में देखा है, स्ट्रीट समाचार में देखा है, एक लड़के को धमकी दी जा रही है मारने की, और वो बता रहा है, बेचारा वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो अपने रिपोर्ट बता रहा है कि हमें बहुत सारी धमकी आ रही है। ये है हमारी, आइए मैं आप दर्शकों को यही कहूँगा कि आगे अपनी अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, 2 या 3 मिनट 4 मिनट की जो वैल्यू वीडियो है उसको आगे आगे देखें। तब तक के लिए इस बीएस राजपूत को दें इजाज़त, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। यमू यमू ऊन चेता है जम्मू सारे लीडरें, ऊन चेता है जम्मू जदू तुस अपने अपनी पार्टियां चे अपने अपने ठेकेदार बना दे, अपने अपने जो लैंड लॉर्ड बना दे, ओ लैनी चेता है जम्मू की नहीं है चेता ओले जम्मू, पता की ओले सियासतदान बने तुस। अज करना सच्ची गल, भारतीय जनता पार्टी ने तुसी एक कमजोरी रखड़े, कमजोरी है, डोगरी समझते नहीं, समझ लो एक गल सुना ना तुसी सच्ची, ये जिन्हें भी टेट कड़े आंदे जेड़े भी राजनेता बड़े बड़े कोई एक्स सब एक्स दोबारा की नहीं, एक्स दोबारा की नहीं बने दो लीडर, क्योंकि तुसें लोकें लुटिया, थोड़े गै ठेकेदार, थोड़िया गै सड़कां, थोड़े गै क्रैशर। वक्त बदला लैंदा, वक्त बदला लैंदा, नहीं मनदा उसी, वक्त सबका बाप है, बलवान नहीं है बाप है। हुन तुस जड़ी मर्जी पार्टी जाओ, बीजेपी जाओ, आम आदमी पार्टी जाओ, कांग्रेस जाओ, थोड़ा किश नहीं बनना है, थोड़ा किश नहीं बनना है, खत्म, टोटली ओके, बाय बाय। जिस मर्जी पार्टी जाओ, ईडी सीबीआई थोड़े पीछे लगी चुकी, और हर बंदा, मैं देख सोशल बंदा महाराज, सीधा बंदा, जक्कर आदमी, मैं तो ऐसे कोई गल गै नहीं करता कुसे खिलाफ। जम्मू जम्मू चेता है जम्मू पुत्रों, चेता है जम्मू, बड़े बड़े ढिड हो गए जल्ले 800-900 हजार करोड़ की संपत्ति हुई, हूं चेता है जम्मू। अच्छा अच्छा, मिगी भी अच्छा लग्या, मिगी भी अच्छा लग्या कि तुस इन्नी जम्मू दे चेता आया, कर लो जो करना हूं, तुसें थोड़ा बेड़ा कर, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय। ओ जम्मू जम्मू, ओ जम्मू, ओ जम्मू, जिन्ना मर्जी जम्मू करो, मेरे पैसे दे उड़ो, हम गरीब आदमी है, मेरे पैसे दे उड़ो, थोड़े दे उड़ो, थोड़े को लेने पैसे, जिन्ने मेरे पैसे, थोड़े जागत मेरी नुक्का लांदे, मैं कुसा ना नहीं लेना, मैं कुसा ना नहीं करनी, मैं कुदै गुस्सा की बाब, मेरे पैसे दऊड़ो, ओ जम्मू जम्मू, ओ जम्मू जम्मू, अमी करना आए लकड़ी 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 लकड़ी, मेरे डोगरे हो तुस, मेरे साथी हो, अज धोड़ी मिगी 1 रपेआ नी थ्होया, मेरे कन्नै कोई नी खड़ोता है, कोई नी खड़ोता है, सिर्फ शोशा, जम्मू जम्मू, ओ भाई मैं केह करना जम्मू जम्मू, मैं केह लैना, तुस करो का करै जम्मू, ओ के करा बीजेपी, जम्मू जम्मू जम्मू, मैं कुदा जम्मू 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 जम्मू, बड़ा आया बहादुर, तू बड़ियां गल्लां करना, जम्मू जम्मू राजनीति थोड़ा पापा बैठा, आओ बीजेपी आले आई जाओ, मिगी मराई लाओ, ओ मैं मरिया नी, मैं मरने की कोशिश कीती ने, मिगी मारने की कोशिश कीती ने, मेरे घर पुलिस आले भेजे, लेकिन उन्हें दवा नहीं चढ़िया, चलो जय जय भारत, लेकिन एक गल सच सनाना, जम्मू
जम्मू जम्मू थोड़े बब्बाणी है, मेरा भी है, मेरे दादा भी है जम्मू।